बहुत बहुत स्वागत है आपको। नमस्ते इंडिया न्यूज में, मैं हूँ आपका दोस्तों नवीन शर्मा। हम बात करें दोस्तों मोदी सरकार की नई योजना के बारे में। मोदी सरकार ने किसान सम्मान निधि के रूप में एक नई योजना का शुभारंभ किया है, जिससे किस्त जल्द ही किसानों के खाते में आने वाली है। लेकिन दोस्तों मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है, 2000 की जगह 4000 रुपए किस्त आएगी किसानों के खाते में। तो क्या है पूरी खबर, आइए जानते हैं इसको विस्तार से। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले करना चाहूंगा, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, तो बेल आइकन दबा दीजिए जिससे अपडेट रहे आप सभी। अपडेट की और क्या है अपडेट आप लोगों के लिए, खास करके किसानों के लिए। तो 2000 नहीं 4000 रुपए आएंगे किसानों के खाते में पैसे, लोकसभा चुनाव से मोदी सरकार का बड़ा फैसला। दोस्तों केंद्र सरकार लोकसभा चुनाव की घोषणा से पहले हाल ही में घोषित योजना प्रधानमंत्री पीएम किसान योजना के तहत पात्र किसानों को 2 किस्तों का भुगतान करने की तैयारी कर रही है। केंद्र सरकार लोकसभा चुनाव की घोषणा से पहले हाल ही में घोषित योजना प्रधानमंत्री पीएम किसान योजना, जिसे किसान कर्ज माफी भी हम कह सकते हैं, के तहत पात्र किसानों को 2 किस्तों का भुगतान करने की तैयारी में जुटी हुई है। इससे पहले 3 किस्तों का प्रावधान था और इससे किसानों के खाते में सीधे 4000 रुपए आएंगे। कृषि मंत्रालय ने एक वरिष्ठ अधिकारी ने इस बारे में जानकारी दी। अंतरिम बजट में वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पीएम किसान योजना का प्रत्यक्ष सहायता योजना की घोषणा की, जिसके तहत करीब 12 करोड़ लघु एवं सीमांत किसानों को प्रति वर्ष 6000 करोड़ रुपए का भुगतान किया जाएगा। यह सीधे उनके खाते में पहुंचाए जाएंगे। 1 दिसंबर 2018 से हुई योजना की शुरुआत। दोस्तों नियम के अनुसार 2 हेक्टेयर तक के जोत वाले किसान इसके हकदार होंगे। गोयल ने यह भी कहा कि यह योजना इसी वित्तीय वर्ष 1 दिसंबर 2018 से शुरू हो जाएगी और मार्च 2019 तक सहायता की पहली किस्त 2000 रुपए का भुगतान कर दिया जाएगा। परंतु इसके लिए मोदी सरकार बड़ा फैसला ले रही है, 2000 से 4000 रुपए किस्त आपके खाते में आ सकती है। इसके लिए प्रावधान बन रहा है, यदि पास होता है तो आपके खाते में 4000 आएंगे 2000 की जगह। दोस्तों राज्य सरकार पात्र किसानों की पहचान करने की प्रक्रिया में है, उम्मीद है लाभार्थी को प्रारंभिक सूची जल्द तैयार हो जाएगी। कर्ज और राज्य में भूमि रिकॉर्ड की डिजिटल किया गया। दोस्तों अधिकार ने कहा है कि कर्नाटक आंध्र प्रदेश गुजरात और महाराष्ट्र जैसे कई राज्यों में भूमि रिकॉर्ड को डिजिटल कर दिया गया है। वहीं तेलंगाना ओडिशा और झारखंड ये 5 भी आंकड़े हैं, क्योंकि इन राज्यों में भी इस तरह की योजना की घोषणा की गई है। यह पूछे जाने पर कि क्या लोकसभा चुनाव से पहले 2 किस्तें दी जाएंगी, अधिकारी ने कहा कि हम इसकी तैयारी भी कर रहे हैं। हम लोकसभा चुनाव से पहले 2 किस्त किसानों के खाते में ट्रांसफर होने की उम्मीद करते हैं। यह राशि 4000 रुपए होगी। लेकिन दोस्तों मोदी सरकार जो नया फैसला ले रही है, इसके अनुसार किसानों के खाते में 2000 की जगह 4000 रुपए आने की पूर्ण संभावना है। जैसे ही कोई नया अपडेट आता है आपको सूचित करेंगे। फिलहाल अपडेट है, किसी तैयारी चल रही है, पहले किस्त में 2000 की जगह 4000 आपके खाते में आएंगे। लेटेस्ट अपडेट और इस प्रकार के देश दुनिया की सभी खबरों को प्राप्त करने के लिए सब्सक्राइब करें नमस्ते इंडिया न्यूज को, बेल आइकन दबाएं जिससे अपडेट रहे आप सभी खबरों से। इस वीडियो में इतना ही, फिर आपके लिए उपस्थित होंगे अन्य जानकारी के साथ। दोस्तों खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, नमस्ते इंडिया।